हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सो ये एक्ट ऐड हुआ है अभी उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स के पेपर वन में भी और मेंस के पेपर वन में भी। सो लेट अस बिगिन विद दिस एक्ट। इसमें हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये एक्ट कैसे फ्रेम हुआ, का क्या इसके प्रीवियस कोई एक्ट थे डाउरी के ऊपर या नहीं थे। फिर हम इसके प्रोविजंस देखेंगे और कुछ केस लॉज देखेंगे। सबसे पहले क्या होता था, पहले की वर दक्षिणा दी जाती थी आउट ऑफ अफेक्शन, और ये एक वॉलेंट्री प्रैक्टिस थी जो कि ब्राइडग्रूम को दी जाती थी बिना किसी कंपल्शन के, बिना किसी कोअर्जन के। बट लेटर ऑन एक कोअर्सिव एलिमेंट इसके अंदर क्रेप्ट इन हो गया, और वो कोअर्सिव एलिमेंट क्या था, डिमांड। अब लोग डिमांड करने लग गए कि हमें ये चाहिए या जो भी चीजें उन्हें चाहिए, इन चीजों की वो डिमांड करने लगे शादियों में। तो सबसे पहले एक्ट बहुत पहले आ चुका था बिफोर इंडिपेंडेंस, जिसका नाम है सिंध देती लेती एक्ट 1939। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले बिहार था जो पहले इसके ऊपर एक्ट लेके आया 1950 में, फिर आंध्र प्रदेश 1958 में डाउरी के ऊपर एक्ट लेके आया, पर ये दोनों एक्ट फेल हो गए, ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए। सो फिर जो फर्स्ट सेशन था लोकसभा का, वहां ये मैटर रेज हुआ डाउरी प्रोहिबिशन का, और काफी टाइम बीतने के बाद एक जॉइंट कमेटी पार्लियामेंट की हुई जिसमें ये बिल पास हुआ। प्रेसिडेंट की असेंट इसको 20 मई 1961 में मिली, और फाइनली हमारे सामने आ गया द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसका फोर्स इन डेट है 1 जुलाई 1961। इसमें दो बार अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अब तक, 1984 में और 1986 में। सो 1984 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो उसको फोर्स में उसकी फोर्स इन डेट है 2 अक्टूबर 1985, और 1986 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसकी फोर्स इन्फोर्समेंट डेट है 19 नवंबर 1986। इफ यू रिमेम्बर 1986 में सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ, और वहां पे ऐड हुआ प्रेजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। सबसे पहले हमें इसका नाम याद करना है कि इसका नाम है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सेकंड चीज, ये 28 नंबर का एक्ट है 1961 का, इसमें टोटल सेक्शंस बस 10 हैं। इसके बाद इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी को प्रोहिबिट करा जा सके, ना आप डाउरी लें ना आप डाउरी दें। देन सेक्शन वन सिंपल है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है। इसमें क्या है शॉर्ट टाइटल, तो हमें पता ही है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। फिर एक्सटेंट है इसका टू द होल ऑफ इंडिया, और कमेंसमेंट की डेट हमें पता है 1 जुलाई 1961 इज द कमेंसमेंट डेट। देन कमिंग टू सेक्शन 2, सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है डाउरी। डाउरी के क्या डेफिनेशन है, डाउरी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि आप दे रहे हैं या आप एग्री कर रहे हैं कि आप देंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू अ मैरिज। बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी लिखा है यहाँ पर, कहीं ये नहीं लिखा कि फीमेल मेल को दे रही है या मेल फीमेल को दे रहे हैं। तो एनी पार्टी कैन गिव टू द अदर पार्टी, या फिर पेरेंट्स इधर पार्टी के या उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन टू इधर पार्टी दूसरी पार्टी को दे रहा है। इसकी टाइमिंग है एट बिफोर एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, तो एट शादी के टाइम, बिफोर शादी से पहले और शादी के बाद। कभी भी आपसे मैरिज के कनेक्शन में अगर डाउरी मांगी जाती है तो वो सब इस डेफिनेशन में आता है। इसके अंदर क्या नहीं आता, इसके अंदर नहीं आता डावर या मेहर, जो कि जिसके ऊपर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाई होता है वहां पे डावर दिया जाता है टू द ब्राइड बाय द ब्राइडग्रूम। तो वो एक तरीके से रेस्पेक्ट का मार्क माना जाता है मुस्लिम लॉ में। सो वो डाउरी के अंदर कवर अप नहीं है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी की वही मीनिंग है जो सेक्शन 30 में आईपीसी का।
नाउ कमिंग टू सेक्शन थ्री. सेक्शन थ्री पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी की बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन या तो डाउरी दे रहा है, डाउरी ले रहा है, या अबेट कर रहा है कि डाउरी दो या डाउरी लेने के लिए, तो उसको क्या सजा मिलेगी. उसकी सजा है 5 ईयर्स प्लस फाइन, जो कि 15,000 रुपीज हो सकता है, या फिर अमाउंट ऑफ डाउरी, विच एवर इज मोर. तो इसका फाइन सिंपल हुआ कि 5 ईयर्स हो गया प्लस फाइन भी है. फाइन क्या है? ₹15,000, या फिर जो भी डाउरी अमाउंट आप ले रहे हो, दे रहे हो, जो भी डाउरी अमाउंट है वो. तो जो भी ज्यादा होगा इन दोनों में से वो लिया, वो फाइन के तौर पे लिया जाएगा. प्रोवाइडेड दैट अगर कोर्ट को लगता है कोई स्पेशल या रीजंस हैं एडिक्वेट कि सेंटेंस जो है वो 5 साल से कम का होना चाहिए, तो वो कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करके कम टाइम का भी इम्प्रिजनमेंट दे सकते. ये सारी बातें जो हमने सबसेक्शन वन में करी, ये अप्लाई नहीं होती प्रेजेंट्स को. जो बिना किसी डिमांड के अगर आप प्रेजेंट्स दे रहे हो टू द ब्राइड या टू द ब्राइड ग्रूम, तो विदाउट डिमांड आप दे रहे हो, तो उन चीजों पे ये अप्लाई नहीं होंगे. और जो वो प्रेजेंट्स हैं उनको आपको एक लिस्ट में, जो कि रूल्स में दे रखी है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के रूल्स हैं, उसमें जो लिस्ट जैसे मेंटेन करके आपने अगर वो प्रेजेंट्स लिख रखे हैं, तो ये उन पे अप्लाई नहीं होता. प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच प्रेजेंट्स आर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड, सच प्रेजेंट्स आर ऑफ कस्टमरी नेचर. तो एक तो विदाउट डिमांड आपने प्रेजेंट दी और वो लिस्ट में मेंटेन करा आपने. सेकेंड, अगर कोई चीज है जो कस्टमरी नेचर की है, तो वो भी इसके अंदर कवर अप नहीं होंगे, उन पे भी फाइन या फिर पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कस्टम्स बहुत सारे होते हैं जिसमें कुछ लेना देना होता है, तो दैट वुड नॉट कम अंडर दिस वेरी डेफिनेशन ऑफ डाउरी. और ये भी देखा जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटस से ज्यादा पैसा तो नहीं दिया जा रहा अगर आप डाउरी के बारे में बात कर रहे हैं. देन सेक्शन फोर. सेक्शन फोर बात करता है कि पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी. अगर कोई पर्सन डिमांड कर रहा है आपसे डाउरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपके पेरेंट्स से, रिलेटिव से, या किसी गार्जियन से, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम किसी के भी, तो उसको सजा मिलेगी 2 ईयर्स प्लस फाइन, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10,000 रुपीज के लिए. तो इट वुड बी, ये सजा क्या होगी, 2 ईयर्स, 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक की सजा मिल सकती है, प्लस 10,000 का फाइन. दिस इज ऑन डिमांड, सेक्शन फोर में डिमांड करने के ऊपर. और अगर कोर्ट को लगता है कि उनके पास एडिक्वेट और स्पेशल रीजंस हैं कि 6 महीने से कम की सजा दे देनी चाहिए, तो उसमें कोर्ट अपने रीजंस को मेंशन करेगा अपने जजमेंट में, और तभी लेस देन 6 मंथ की सजा वो दे सकता है. कमिंग टू सेक्शन 4A, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट. सो बेसिकली इफ कोई भी पर्सन ऑफर कर रहा है एडवर्टीजमेंट डाल के इन न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, जनरल, या जैसे भी, कि अगर शादी के लिए वो कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी में शेयर दे देगा, या कुछ पैसा दे देगा, या बिजनेस में शेयर दे देगा, या कोई भी कंसिडरेशन के लिए कोई भी इंटरेस्ट दे देगा, या फिर प्रिंट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है ऐसा एडवर्टीजमेंट, जो भी इस चीज को कर रहा है, उसको सजा मिल सकती है 6 मंथ्स. तो यहाँ पे सजा हो गई 6 मंथ्स से लेके 5 ईयर्स और 15,000 का फाइन. यहाँ पे बैन ऑन एडवर्टीजमेंट पे ये इसकी सजा है. देन सेक्शन 5. सेक्शन 5 बोलता है एग्रीमेंट फॉर टेकिंग और गिविंग डाउरी टू बी वॉइड. अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो कि हाँ, मतलब हम 15,000, 50,000 इतने पैसे का डाउरी लेंगे, तो ये सारे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे. नाउ कमिंग टू सेक्शन 6. सेक्शन 6 इज अबाउट डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और हर हेयर्स. जहां पे भी कोई भी डाउरी रिसीव हुई बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमेन, जिसकी भी मैरिज हो रही है, वो वुमेन के कनेक्शन को छोड़ के किसी और के पास डाउरी रिसीव हो रही है, तो वो पर्सन उसको ट्रांसफर करेगा, वुमेन को ट्रांसफर करेगा. वो अगर उससे मैरिज से पहले डाउरी रिसीव हुई है, तो 3 मंथ्स में, जब मैरिज हो गई उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसको करना पड़ेगा. और अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज या आफ्टर मैरिज उसने डाउरी रिसीव करी है, तो 3 मंथ्स आफ्टर, जो भी तुमने जिस दिन भी रिसीव करी है, उसके 3 महीने के बीच में आपको करना पड़ेगा उसको रिटर्न.
अगर डाउरी रिसीव हुई थी जब वुमेन माइनर थी, तो जब वो 18 ईयर्स की हो जाएगी, आफ्टर शी हैज अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स की वो हो गई, फिर 3 महीने के बीच में आपको देनी पड़ेगी उसको ये सारी, जो भी आपने लिया है, प्रॉपर्टी ली है या जो भी अमाउंट आपने लिया है। और जब तक ये ट्रांसफर पेंडिंग रहता है, तो एक तरीके से ट्रस्ट माना जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन इसको। सबसेक्शन 2 बोलता है कि इफ एनी पर्सन फेल्स टू ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, अगर कोई नहीं, ये 3 महीने में कोई नहीं कर पाया तो क्या होगा? 3 महीने में नहीं कर पाया तो पनिशमेंट मिलेगी 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक की, या फिर फाइन भी लग सकता है। फाइन कितना होगा? 5,000 रुपीज, जो कि एक्सटेंड कर सकता है 10,000 से, या फिर दोनों चीजें भी हो सकती हैं। देन कमिंग टू सबसेक्शन 3, वेयर द वुमेन एंटाइटल टू एनी प्रॉपर्टी डाइज बिफोर रिसीविंग इट, द हेयर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, सी इफ द वुमेन डाइज, तो उसकी प्रॉपर्टी कौन लेगा? हेयर्स लेगी, उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स ले लेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच वुमेन डाइज विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, अदरवाइज देन ड्यू टू नेचुरल सर्कमस्टांसेस और कॉजेस, सच प्रॉपर्टी शेल, इफ शी हैज नो चिल्ड्रन, बी ट्रांसफर्ड टू हर पेरेंट्स, और इफ शी हैज चिल्ड्रन, बी ट्रांसफर्ड टू सच पेरेंट्स, एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर सच चिल्ड्रन। तो ओके, तो अगर कोई भी वुमेन 7 साल, उसके मैरिज को 7 ईयर्स नहीं होते हैं और उससे पहले वो मर जाती है, विद इन 7 ईयर्स उसकी डेथ हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी अगर उसके पास चिल्ड्रन नहीं है तो उसके पेरेंट्स को चली जाएगी, अगर उसके पास चिल्ड्रन है तो उसके चिल्ड्रन को ट्रांसफर होगी। और जब तक पेंडिंग रहता है ऐसा ट्रांसफर, तो ये माना जाएगा कि एज अ ट्रस्ट वो चिल्ड्रन के लिए होल्ड की जा रही है। देन इसी में द थर्ड 3A, नाउ 3A, 3A बोलता है कि अगर कोई पर्सन है वो कन्विक्ट हो गया इसलिए कि वो जो भी ट्रांसफर करना था प्रॉपर्टी को, जैसे सबसेक्शन 1 मिल रहा है, सबसेक्शन 3 मिल रहा है, वो नहीं कर पाया, तो उसको ऑल कोर्ट पनिशमेंट तो देगी ही देगी, उसके साथ एडिशन में वो ऑर्डर कर सकती है इन राइटिंग कि वो पर्सन एज वुमेन को, या फिर अगर उसके लीगल हेयर्स हैं या पेरेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, जिनको भी उसको ट्रांसफर करनी है प्रॉपर्टी, उनके लिए एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर देगी कोर्ट कि इतने टाइम पीरियड में आपको ये प्रॉपर्टी उनको देनी है। पर अगर वो पर्सन फेल कर जाता है टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन विद इन द पीरियड टू स्पेसिफाइड, इतने पीरियड में वो नहीं कर पाता, फेल कर जाता है, कंप्लाई नहीं कर पाता ऑर्डर को, तो जो भी वैल्यू है प्रॉपर्टी की उसका इक्वल अमाउंट उससे एज फाइन रिकवर किया जाएगा, और फिर उसकी वुमेन को या हेयर को या पेरेंट्स को या फिर चिल्ड्रंस को दे दिया जाए। ये सब सेक्शन से, ये वाले जो सेक्शन है, सेक्शन से सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नाउ कमिंग टू सेक्शन 7, सेक्शन 7 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की। तो इसमें सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस ले सकते हैं इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंस हो रहा है उसकी। सेकंड, कॉग्निजेंस कब कब ली जा सकती है? कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है खुद की नॉलेज पे या पुलिस रिपोर्ट पे। सेकंड, कंप्लेंट पे बाय एग्रीव्ड पर्सन, जो भी एग्रीव्ड पर्सन है उसकी कंप्लेंट पे लिया जा सकता है कॉग्निजेंस, या बाय अ पेरेंट लिया जा सकता है, या रिलेटिव लिया जा सकता है ऑफ सच पर्सन, या कोई रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लेंट पर भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के लिए ये लॉफुल होगा कि वो कोई भी सेंटेंस जो वो ऑथराइज्ड है पास करने के लिए, वो पास कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ? उसका मतलब है कि कोई भी सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बाई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर सकती है। चैप्टर 36 CRPC का यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा, नथिंग शेल अप्लाई ऑफ चैप्टर 36 अंडर दिस एक्ट। देन सबसेक्शन 3, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अ स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस शेल नॉट सब्जेक्ट सच पर्सन टू प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। ओके, अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी है तो उसकी वजह से उसको प्रोसिक्यूशन भी नहीं लिया जाएगा अंडर दिस। सेक्शन 8 बोलता है कि जो ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, और उन पर्पसेस के लिए
अदर देन जो सेक्शन 42 में दे रखे हैं सीआरपीसी के, या फिर अरेस्ट विदाउट अ वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। सो बेसिकली बोलता है वैसे तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए और बाकी सारे मैटर्स के लिए भी, पर किन मैटर्स के लिए वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, मतलब आपको पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती है विदाउट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, राइट। देन सबसेक्शन 2 बोलता है नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। 8A बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस, तो जहां पे भी कोई भी किसी को भी किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं डाउरी लेने के लिए, अबेट करने के लिए या डिमांड करने के लिए डाउरी सेक्शन 4 के अंडर, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा, जो भी बनता एक्यूज्ड है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा कि उसने ये ऑफेंस नहीं किया। सेक्शन 8B बात करता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को जिस भी एरिया में उसको लगता है एज इट थिंक्स फिट, और एरिया उनको स्पेसिफाई कर दिया जाता है, उनकी जुरिसडिक्शन पावर्स बता दिए जाते हैं। एवरी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के जो पावर और फंक्शंस होंगे वो ये होंगे कि ये प्रोविजन क्या जो एक्ट के प्रोविजन है उन्हें कंप्लाई विद किया जा रहा है, वो प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा टेकिंग और अबेटिंग द डिमांड ऑफ डाउरी, एविडेंस कलेक्ट करेगा, फिर कुछ भी एडिशनल फंक्शंस जो उसे स्टेट गवर्नमेंट देगी या रूल्स में लिख रहे होंगे वो सारे काम करेगा। देन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके भी कन्फर कर सकती है पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। देन स्टेट गवर्नमेंट इनको एडवाइस करने के लिए और असिस्ट करने के लिए ताकि ये अपने फंक्शन को एफिशिएंटली कर पाए, परफॉर्म कर पाए, वो एक एडवाइसरी कमिटी एडवाइसरी बोर्ड भी अपॉइंट कर सकती है जिसमें एटलीस्ट 5 सोशल वर्कर्स होंगे, जिसमें एटलीस्ट उनमें से भी 2 वुमेन होंगे, राइट। सो एडवाइजरी बोर्ड होगा उसमें 5 सोशल वर्कर्स होंगे और उसमें से भी एटलीस्ट 2 क्या होंगी, 2 वुमेन होनी चाहिए। देन सेक्शन 9 इज पावर टू मेक रूल्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है और सच रूल्स के बारे में वो रूल्स बना सकती है, वो फॉर्म और मैनर बता सकती है कि जो आपको लिस्ट बनानी होती है प्रेजेंस की वो सब कैसे मेंटेन होंगे, उनके फॉर्म और उनका मैनर बता सकती है और कौन पर्सन उस लिस्ट को बनाएंगे वो बता सकती है। सेकेंड चीज वो ये रूल बना सकती है बेटर कोऑर्डिनेशन की पॉलिसी एंड एक्शन को लेके, केस एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो तो बेटर कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी की वो के बारे में वो रूल्स बना सकती है। जो भी रूल्स बनेंगे वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ले डाउन होंगे जब वो सेशन में होगी, और 30 डेज के उसके लिए। देन सेक्शन 10 स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स हैं कि वो रूल बना सकती है किस बारे में, एडिशनल फंक्शंस क्या होंगे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स के, फिर उनकी लिमिटेशंस क्या होंगी, कंडीशंस क्या होंगी जिसमें वो अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज कर पाएंगे, और ये भी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ले डाउन किए जाएंगे। इफ यू नोटिस सेक्शन 9 में था 30 डेज का टाइम और इसमें एज सून एज मे बी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। देन कुछ केसेस हैं इसके अंदर, बचनी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 का केस है, 2011 का। इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ डाउरी को बताया गया, ये बोला गया कि जो टर्म है डाउरी वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें सब प्रॉपर्टीज ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी आप इंक्लूड कर सकते हैं जो भी इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली मांगी गई है या एग्री किया गया है जिन्हें देने के लिए या लेने के लिए, वो सारी प्रॉपर्टी हर सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी आप सेक्शन 2 में ऐड कर सकते हैं। देन राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2008, इसमें ये बोला गया कि अगर कोई कस्टमरी पेमेंट्स होते हैं तो वो डाउरी के अंदर नहीं आते। देन स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जोगेंद्र 2022, जो डिमांड अगर आप अपने घर को बनवाने के लिए करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अगर आप कोई मनी डिमांड कर रहे हैं तो वो भी डाउरी डिमांड के अंदर आता है। देन इंद्रावती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें बोला गया कि सेक्शन 3 कॉन्ट्रावीन नहीं करता आर्टिकल 14, 19, 21 एंड 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। सो थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो।